भांडवपुर में मृत साधु के मामले में न्यायालय ने की FR स्वीकार। जालौर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिया रघुनाथ दान ने जालौर के साइला स्थित भांडवपुर में पानी की टंकी में डूबने से मृत जिन विजय के मामले में अंतिम प्रतिवेदन अर्थात FR को स्वीकार किया। प्रकरण के अनुसार 22 जनवरी व 23 जनवरी 2021 की मध्य रात्रि में साइला स्थित भांडवपुर तीर्थ की टंकी में जिन विजय ने आत्महत्या कर दी, जिसकी खबर सुबह टंकी से पानी खोलने गए व्यक्ति ने टंकी के पास कपड़े गिरे देखकर ट्रस्टी व पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद टंकी से मृत जिन विजय को बाहर निकालकर साइला पुलिस ने पोस्टमार्टम कर मर्ग की कार्रवाई की गई। मृतक किशोर कुमार अर्थात जिन विजय के बड़े भाई जयंती लाल उर्फ जीत मल ने घटना के करीब 1.5-2 माह बाद साइला पुलिस थाने में अपने भाई किशोर की हत्या करने की रिपोर्ट दी। पुलिस ने उक्त रिपोर्ट के बाद अनुसंधान कर मामले में नकारात्मक रिपोर्ट अर्थात FR पेश की। पुलिस ने मामले को आत्महत्या मानते हुए अंतिम प्रतिवेदन अर्थात FR पेश करने के बाद जयंती लाल उर्फ जीतमल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट जालौर के समक्ष विरोध याचिका अर्थात प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विरोध याचिका का अवलोकन करने के बाद पत्रावली पर मौजूद तथ्यों को स्पष्ट करने में याचिकाकर्ता असमर्थ होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विरोध याचिका खारिज करने पर याचिकाकर्ता द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश जालौर के समक्ष रिवीजन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता जीतमल द्वारा JM कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि वह उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा उसे उसके भाई की हत्या को लेकर किसी पर शक नहीं है, इसीलिए अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाए। सेशन न्यायाधीश जालौर सिया रघुनाथ दान ने उक्त प्रकरण में रिवीजन प्रार्थना पत्र पर आदेश देते हुए पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन व न्यायिक मजिस्ट्रेट जालौर द्वारा FR स्वीकार के आदेश की पुष्टि की तथा अपने आदेश में बताया कि उक्त पत्रावली पर कोई सबूत नहीं है जिससे संज्ञान लिया जाए। रिवीजन प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन व न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की पालन का आदेश दिया तथा उक्त प्रकरण में सेशन न्यायाधीश ने अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकार मानते हुए मामले का निस्तारण किया।